दोस्तों आज के समय में यूपी में जो एसटीएफ एक के बाद एक लगातार अपने जलवे दिखा रही है और आए दिन गैंगस्टरों का सफाया कर रही है, उसे जिस डॉन को खत्म करने के लिए बनाया गया था उसका नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के माफिया वर्ल्ड में इतना खतरनाक हो चुका था कि उसे उस समय के सीएम कल्याण सिंह को मारने की सुपारी भी मिल चुकी थी। उसी श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए यूपी पुलिस का एक स्पेशल विंग एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था। यूपी के सबसे फैसिनेटिंग डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी क्या है और उसका एनकाउंटर कैसे हुआ, यह पूरी कहानी हम इस वाले वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको श्री प्रकाश शुक्ला की लव स्टोरी के बारे में, जिसे बहुत ही कम देखा और पढ़ा गया है। अगर श्री प्रकाश शुक्ला के पास उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो शुक्ला इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं था। क्या है श्री प्रकाश शुक्ला की लव स्टोरी और कैसे उसे अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में जान गंवानी पड़ी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में बिहार से सटे जिला गोरखपुर में एक गांव है मामखोर। यहां के एक टीचर के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा श्री प्रकाश शुक्ला। मारधाड़ की ओर दिलचस्पी थी, इसीलिए गांव में ही पहलवानी करने लगा। उसका आपराधिक करियर शुरू हुआ उसके गांव से ही। राकेश तिवारी नाम के एक लड़के ने उसकी बहन को सारे बाजार छेड़ दिया था। इसका बदला लेने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे गोली मार दी। उस समय उसकी उम्र कोई 19-20 साल की रही होगी। जब पुलिस पीछे पड़ी तो वह राजनैतिक सह पाकर बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। जब लौटा तो उसके दिमाग में सिर्फ क्राइम ही क्राइम चल रहा था। एक के बाद एक अपराध, किडनैपिंग, हत्याएं, लूटपाट, ठेकेदारी और इन सबसे बड़ा सुपारी किलिंग। उन दिनों उत्तर प्रदेश में बाहुबल की राजनीति की शुरुआत हुई थी। उन राजनेताओं को भी आवश्यकता थी श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधी की। शुक्ला अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया। बड़ी बड़ी सुपारी लेकर कत्ल करना, ड्रग्स का कारोबार, लॉटरी, हर काला धंधा उसका काम बन चुका था। वह अय्याशी की जिंदगी बिताने लगा था। बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, अपने हर शौक वह आराम से पूरे कर रहा था। अब आ चुका था साल 1997, जब श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी पुलिस की सिरदर्दी को और ज्यादा बढ़ा दिया था। इसी साल उसने नेता और यूपी अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रहे वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून डाला। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया क्योंकि वीरेंद्र शाही तब बड़ा नाम हुआ करता था। श्री प्रकाश शुक्ला के नेताओं से अच्छे संबंध थे क्योंकि उसका इस्तेमाल नेता लोग भी अपने काम करवाने के लिए किया करते थे। इन्हीं चक्करों में अब उसका पॉलिटिकल एम्बिशन जाग गया। अब उसकी हिट लिस्ट में अगला नाम था यूपी के उस समय के कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का, जो गोरखपुर के चिल्लूपार सीट से विधायक थे। अब श्री प्रकाश शुक्ला को वह विधानसभा सीट चाहिए थी। 23-24 साल की उम्र का ये लड़का उस विधायक का कत्ल करना चाहता था जिसे 15 साल में चिल्लूपार सीट से कोई हिला नहीं पाया था। इस समय तक श्री प्रकाश शुक्ला अपने ही धुन में खेल रहा था, लेकिन अब उसका समय खत्म होने वाला था। अब बारी थी पुलिस की। साल 1998 में साक्षी महाराज यूपी के फर्रुखाबाद से एमपी थे। उन्होंने बिना सोर्स बताए ये खबर मीडिया को दे दिया कि श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह को मारने के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ली है। ये सुनकर यूपी पुलिस का सरदर्द और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद उसी साल अप्रैल महीने में यूपी पुलिस ने 43 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को मारने या पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इन 43 क्रिमिनल्स में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सबसे ऊपर था। श्री प्रकाश शुक्ला इस बात को समझ गया था कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है। यूपी पुलिस ने पहली बार किसी अपराधी को पकड़ने के लिए एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। ये वो समय था जब मोबाइल फोन नया नया आया था और यह कुछ चुनिंदा लोगों के पहुंच में ही थी। इन्हीं चुनिंदा लोगों में एक नाम श्री प्रकाश शुक्ला का भी था।
जब यूपी एसटीएफ श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रेस कर रही थी तभी उसे यह बात भी मालूम हुआ कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और दोनों की प्रेम कहानी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। नया नया मोबाइल का शौक दोनों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहने देता और शुक्ला को जब भी मौका मिलता वह अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लग जाता। वैसे तो श्री प्रकाश शुक्ला अपनी अय्याशी के लिए मशहूर था लेकिन गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की ने उसकी जिंदगी को छू लिया था। उत्तर प्रदेश का यह डॉन इस लड़की के बाहों में अपना सुख तलाश रहा था। एक तरफ इसके अपराध की सीमा पार हो रही थी तो दूसरी तरफ इसका प्यार भी गहरा हो रहा था। कई सालों तक दर्जनों लड़कियों के साथ घूमने वाला यह डॉन अब अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने लगा था। शुक्ला के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के हर शौक को पूरे करने लगा। तब नया नया मोबाइल आया था और शुक्ला अपनी गर्लफ्रेंड को भी एक मोबाइल दिलवा दिया ताकि ये जहां भी रहे उससे बात कर सके। एक तरफ इसके प्यार की गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ इसकी बुरी चाहतें। इस बीच पुलिस को श्री प्रकाश शुक्ला की गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी मिली। ये भी पता चला कि ये गैंगस्टर गाजियाबाद के वसुंधरा में अपनी गर्लफ्रेंड के पास मिलने जाने वाला है। दरअसल शुक्ला की न तो पुलिस के पास कोई फोटो और न ही उसके फोन नंबर के बारे में सही से जानकारी मिल रही थी। ऐसा बताया जाता है कि उसके पास उस दौरान 14 सिम कार्ड थे इसलिए उसे ट्रेस करना आसान नहीं था। यहां तक कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए लोकल फोन बूथ का इस्तेमाल भी करता था। वह जानता था कि उसके फोन ट्रेस हो सकते हैं लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोन भी पुलिस ट्रेस कर सकती है। 22 सितंबर 1998 के दिन ऐसा ही हुआ। पुलिस ने इस डॉन की गर्लफ्रेंड के फोन को सर्विलांस में लगाया। पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला नोएडा के किसी बूथ से फोन कर रहा है। पुलिस को खबर मिली कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर आने वाला है। यूपी एसटीएफ की टीम रास्ते में तैनात हो गई। श्री प्रकाश शुक्ला अपने दो दोस्तों के साथ अपनी कार से आ रहा था। उसने पुलिस की गाड़ियां देखी तो वह समझ गया कि ये उसे पकड़ने के लिए है। बस इसने पुलिस की गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी और बदले में पुलिस ने 45 राउंड फायरिंग की और फिर इस डॉन को मार गिराया। इसके दोनों दोस्त भी घटनास्थल पर ही मारे गए। अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहे डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की आखिरी मुलाकात अधूरी रह गई थी। लेकिन उस दिन अगर ये डॉन अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात ना करता और उससे मिलने ना आ रहा होता तो पुलिस के लिए इसे मारना आसान नहीं था। शुक्ला बेहद शातिर किस्म का अपराधी था और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस या एसटीएफ के पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी। शुक्ला अपनी हर चाल को बहुत ही समझदारी के साथ चलता था लेकिन जहां पर बात इश्क की हो वहां पर हर समझदारी धड़ी की धड़ी रह जाती है। हर दिन अपना सिम कार्ड बदलने वाला शुक्ला उस समय एक ही सिम को पिछले एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा था और यहीं से यूपी एसटीएफ को मौका मिल गया उसे दबोचने का। श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस को कोई मौका नहीं देता लेकिन इश्क के मायाजाल ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उस दिन अपने प्यार की खातिर ही सही उसने वो मौका पुलिस को दे दिया और आखिरकार एक खतरनाक अपराधी का अंत हुआ। 22 सितंबर 1998 को स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया। खुद को पुलिस से चारों तरफ से घिरा देख श्री प्रकाश शुक्ला का दिमाग काम करना बंद कर दिया और उसने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। उसने 14 गोलियां दागी तो पुलिस वालों ने 45। बस कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर अपने साथियों के साथ जमीन पर मुर्दा बनकर लेटा हुआ था। तो यही थी श्री प्रकाश शुक्ला की प्रेम कहानी जो उसके एनकाउंटर की सबसे बड़ी वजह बनी। वैसे यूपी के माफिया वर्ल्ड में कई और ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी प्रेम कहानी ने ही उसकी जान ली है। उन सभी कहानियों को हम आगे आने वाले वीडियोज में आपको सुनाने वाले हैं। यूपी के सबसे फैसिनेटिंग डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।